नमस्कार दर्शकों, घर में गरीबी व दरिद्रता आने की निशानियां क्या क्या होती हैं, गरीबी और दरिद्रता कैसे होती है, गरीबी कैसे आती है, हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और उसके कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिनको आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि आपके घर में गरीबी इस कारण से आ रही है। आप उन्हें सुधार करके अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रवेश करा सकते हैं, दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है गरीबी आने के कारण। सबसे पहले जान लें गरीबी। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अपने बच्चों की शिक्षा, अपना शौक पूरा नहीं कर पाता, सभी में असमर्थ रहता है। उस व्यक्ति को आय इनकम भी बहुत कम होती है। अपनी इनकम को बढ़ाना है और गरीबी को मिटाना है तो आप उपाय तो करें ही करें। हमारे चैनल पर उपाय भी डले हुए हैं, वो भी देखिएगा। इसके साथ साथ वीडियो में भी बताने वाले हैं कैसे आप सुधार करें और किन किन चीजों को अपने घर से बाहर निकालें, क्या ना होने दें, क्या होने दें। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके लिए उसका पूरी लगन और जिज्ञासा के साथ साथ उसके कार्य में बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन उसके अनुसार उसे फल ही नहीं मिल पाता। आखिर कारण क्या होता है? आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो है लेकिन उसके बाद भी अमीर नहीं है। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण हैं। सुबह सूरज निकलने से रात के सोते तक हर व्यक्ति को रात में सवेरे से पहले खाना खाकर जल्दी सोना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले ही उठना चाहिए और सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम जरूर करना चाहिए। कई लोग ऐसा नहीं करते। ये गरीबी का, दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। घर में लगे हुए तुलसी के पौधे को अगर सूख जाए तो उसे तुरंत हटाएं, सूख रहा हो तो उसे संभालें, उसकी काट छांट करें, नहीं तो वह आपको बर्बाद भी कर सकता है। तुलसी माता लक्ष्मी है और लक्ष्मी अगर सूख रही है तो उसे पानी डालिए, नहीं तो उसे सूख जाए तो उसे हटा दीजिए, तुरंत ही किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकती हैं। अगला है काली चींटियां। घर में खाने पीने की नमकीन या कैसे भी पदार्थ पड़े रहते हों आपके किचन में या कहीं भी जगह पर, तो तुरंत साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई नहीं करी तो काली चींटियां हो जाएंगी और काली चींटियां होना घर में सबसे बड़ा बुरे समय का इशारा होता है। काली चींटी सबसे बड़ा बुरा समय लाती हैं। काला चींटा हो या काली चींटी हो, ध्यान रखिएगा, तुरंत घर की सफाई कीजिए। घर में लगे पौधे, आपके घर में लगे पौधे हरे भरे होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो भी पौधा हो उसमें कांटे नहीं होने चाहिए। कांटेदार पौधे अपने घर से बिल्कुल हटा दीजिए। कांटेदार पौधे का मतलब है कर्ज। आपके घर पे कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। कांटेदार पौधे कभी मत लगाइए अपने घर में। यह गलती आपने की है तो तुरंत सुधारिए। अगला है झाड़ू। टूटी फूटी झाड़ू को भी निकालिए। जो झाड़ू आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, टूटी है, पड़ी है, सड़ रही है, गल रही है, लेकिन उसे फेंक नहीं रहे हैं छत पर या कहीं ऐसे कूड़े करकट में स्टोरेज में पटक दिखे, उसे तुरंत निकालिए और उसे किसी भी वृक्ष के नीचे विसर्जित करके आइए, नदी तालाब में विसर्जित करके आइए। घर में झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। दरिद्रता को मत नेता दीजिए आप पुरानी या टूटी फूटी झाड़ू रख के। जो भी सामान आपके घर में टूट फूट रहा है कांच का, जैसे चाय पीने वाला मग या फिर कोई भी बर्तन स्टील का, पीतल का, तांबे का, कट रहा है, टूट रहा है, उसे तुरंत हटा दीजिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन ना कीजिए, वे गरीबी और कंगाली को इशारा करती हैं। अगला है छिपकली। छिपकली आपके घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में छिपकली का प्रतीक है। अगर आपके घर में छिपकली है तो उसका निरादर मत कीजिए और छिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिखे तो शीघ्र ही उसे घर से भगा दीजिए, क्योंकि जमीन पर रेंगने का कारण है आपके घर में कंगाली आना। यदि छिपकली आपके किचन में, भगवान के मंदिर में रहती है तो बहुत ही अच्छा है। कहीं भी दीवार पर रहती है तो वो ठीक है, लेकिन जमीन पर अगर चलने लगे, जिस दिन जमीन पर चलती हुई दिखे उस छिपकली को आप बाहर निकालिए, वो दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। जमीन पर छिपकली तभी चलती है जब आपके घर में दरिद्रता आने वाली रहती है। छिपकली अनेकों बच्चों को पैदा करते टाइम जमीन पर चलती है और जब छिपकली बच्चे पैदा करती है तब छिपकली को घर के बाहर होना चाहिए, ना कि घर के अंदर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप पर भारी संकट भी आ सकता है और कहा गया है कि जब छिपकली आपके सिर पर गिरती है, बालों पर गिरती है, तो यह समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु निकट है, नज़दीक है। इस बात का प्रमाण है वास्तुशास्त्र में और कई ऐसे तंत्रिक विद्याओं में भी कहा गया है कि छिपकली सिर पर गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
मृत्यु का निकट होना माना जाता है। आप छिपकली से दूर रहें, घर में हैं ठीक है, लेकिन उससे दूरी बनाए रखें। अगला है कौआ। अगर किसी स्त्री के सिर पर कौआ आकर बैठ जाए तो उसके पति को कोई बड़ी मुसीबत आने से नहीं रोक सकता। कौए से दूर रहें। कौआ अगर दिख जाए तो उसे घर से भगाने की कोशिश करें। कौआ छत पर आकर बहुत सारे आपको इशारे करता है। यदि आपके घर में कौआ आता हो तो उसे घर पर नहीं बैठने दे ज़्यादा देर तक। कौआ घर पर आकर आवाज़ करना शुभ नहीं होता, इशारा देता है आपकी कंगाली को। बिल्ली। घर में बिल्ली का रोना भी बहुत ही ज़्यादा कंगाली का प्रतीक होता है। घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। बिल्ली कही जाए तो एक हमारी हिंदू संस्कृति में बिल्ली को अशुभ माना जाता है। कई जगह पर बिल्ली को शुभ भी माना जाता है, लेकिन कई जगह पर बिल्ली को अशुभ माना जाता है। हमारे देश में बिल्ली रोते समय बहुत ही अशुभता फैलाती है। बिल्ली जब रोती है तो हमारे घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है। बिल्ली को जब भी रोता देखें, अपने घर के दरवाजे पर आकर या कहीं भी खिड़की पर या घर के अंदर घुसती है, तब तो उसे शीघ्र से शीघ्र भगाएं, घर से निकालें। आप इस बात का प्रमाण है कि बिल्ली को रोता हुआ अपने घर में ना पाएं। रो रही है तो उसको तुरंत भगाएं अपने घर से। अगला है, आपके घर में अगर कोई भी सूरज ढलने के बाद यानी शाम के बाद कोई भी आपके घर में किसी भी चीज़ को मांगने आए, कोई भिखारी आए या आस पड़ोस के लोग आए या मित्र आए या फ्रेंड आया, कोई भी आया, रिश्तेदार आया, कुछ भी मांगने आ रहा है, उसे कुछ भी ना दें। बोल दें हाँ देंगे लेकिन कल देंगे सुबह के टाइम, ऐसा बोल दें। क्योंकि रात के समय किसी को भी कुछ सामान नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं क्योंकि वह समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। वो लक्ष्मी के आगमन के समय पर आप अपने घर की लक्ष्मी किसी को दे देंगे तो फिर लक्ष्मी भी आपके घर में नहीं आएगी, वह बाहर से चली जाएगी। अगला है, घर में सुबह उठकर घर का पूरा साफ सफाई करके कूड़ा कचरा प्रतिदिन घर से बाहर फेंक देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के बाहर वह कचरा होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी वहीं आती है जहां साफ सफाई होती है। अगला है, घर में लगी घड़ी आपको बहुत संकेत देती है। यदि आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है तो उस घड़ी को चालू कीजिए या फिर घर से निकाल दीजिए। टूटी फूटी घड़ी घर में ना रखें, बंद घड़ी बिल्कुल ना रखें। जो भी घड़ी है आपके घर में, हाथ में पहनने वाली, दीवार पर टांगने वाली, सब में आप टाइम सेट करके चालू करके रखिए। आप बंद घड़ी रखेंगे तो आपकी किस्मत भी बंद हो जाएगी, वहीं के वहीं आपका समय चलना बंद हो जाएगा, बस आपकी ज़िंदगी ऐसी ही लटकती हुई नजर आएगी। यदि आप किसी शमशान में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल मत हंसिए, शांत रहिए। रसोई घर के पास टॉयलेट ना बनवाइए, रसोई घर के पास भगवान का स्थल बनवाइए या कोई रूम बनवाइए। जब भी भोजन करें हाथ धोए बगैर भोजन ना करें। शाम के समय बिल्कुल ना सोइए। मेहमान आने पर नाराज ना होइए। दांत से नाखून ना काटना। औरतों को खड़े खड़े बाल नहीं सवारने चाहिए, खड़े खड़े बाल नहीं बांधने चाहिए, दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। यदि किसी नदी में आप पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ जूते चप्पल ना पहने, उस नदी में पेशाब बिल्कुल ना करें, गाय बैल को लात ना मारें, किसी गरीब का अपमान ना करें और किसी गरीब को धोखा भी ना दें। कई लोग ऐसे होते हैं जो सब्जी बाजी खरीदने जाते हैं, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें खरीदने जाते हैं, किसी गरीब को धोखा देकर आ जाते हैं, उसका सामान चोर लाते हैं या फिर उसको ठग लेते हैं। ठगने वाले बहुत से लोग बैठे हैं जो बेचने वाले से ज़्यादा खरीदने वाले ठग लेते हैं। ऐसा ना करें, किसी गरीब के पेट पर लात ना मारें। रात के समय झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। मकड़ी के जालों को टाइम टू टाइम अपने घर में साफ सफाई करते रहें, जालों को उतारते रहें। जूते चप्पल मुख्य द्वार के सामने ना रखें। दीपक को फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने घर का मंदिर हो उसमें सफाई बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर की महिलाएं, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, अपने मस्तक पर बिंदी जरूर लगाएं। मस्तक पर बिंदु और गले में मंगलसूत्र जरूर पहने, क्योंकि हिंदू धर्म में मांग में टीका, मस्तक पर बिंदी और मंगलसूत्र सुहाग की निशानियां होती हैं। यह बात अलग है कि कोई विधवा हो तो वह ठीक है, लेकिन विधवा औरत भी सर पर पल्लू जरूर रखे। इस बात का प्रतीक है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने घर में इन नियमों को जरूर अपनाएं और जो हमने उपाय बताए हैं उन उपायों को अवश्य करें। आपको अति शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दरिद्रता को दूर कीजिए, लक्ष्मी को अपने घर में प्रस्थान दीजिए। दर्शकों, और भी कई उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। श्री शिवाय।